सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइज। सो गाइज आज के इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल एडिटिंग पिक्सआर्ट में स्टेप टू स्टेप। एंड इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा विदाउट स्किप। एंड वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को ओपन करना है पिक्सआर्ट में। एंड जो भी मैं बैकग्राउंड इन पीएनजी यूज़ करूंगा इस एडिटिंग में, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से जाना है टूल में एंड यहाँ से रीसाइज में, एंड मैक्सिमम जितना भी साइज़ हो यहाँ से आप रख लीजिएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ रख लिया है। एंड इससे आपको बैकग्राउंड की क्वालिटी एकदम बिल्कुल भी नहीं फटेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको मॉडल के पीएनजी को ऐड करना है। ओके गाइस, हो चुका मॉडल का पीएनजी। एंड ऐसे आप कहीं पर भी फोटो शूट करवा सकते हो। एंड उसके बाद बैकग्राउंड भी इरेज कर लीजिएगा। एंड अगर आपको बैकग्राउंड इरेज नहीं करना आता तो आप जो है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, सो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप सिंपली जाकर देख सकते हो, ठीक है, एंड सीख सकते हो। इस मॉडल के पीएनजी को लाकर रखना है यहाँ पर, ठीक है, ठीक, कुछ इस टाइप से यहाँ पर रख देना है, यहाँ से कर देना है डन। एंड अभी हम ऐड करेंगे तिलक का पीएनजी। सो तिलक के बिना तो माता खुश नहीं होगी ना, तो यहाँ ऐड फोटो से जो है तिलक का पीएनजी लाना है आपको। ओके गाइस, हो चुका तिलक का पीएनजी। एंड उसके बाद जाना है यहाँ पर आपको क्रॉप में, एंड जो नीचे का एक्स्ट्रा एरिया जो भी है इसको यहाँ से जो है एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप कर लेना है। एंड फिर कुछ इस टाइप से यहाँ पर रख देना है, ठीक है। एंड इसका जो ब्लाइंड मोड है, ब्लाइंड मोड में जाना आपको, एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना मल्टीप्लाई। एंड काफ़ी सही लग रहा है तिलक, ठीक है। एंड फिर कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसे रख देना है, ठीक है, एंड यहाँ से कर देना डन। एंड अभी आपको कुछ स्मोक पीएनजी ऐड करने हैं, सो यहाँ से ऐड फोटो से जो आपको स्मोक पीएनजी लाना है। ओके गाइस, हो चुका स्मोक पीएनजी। एंड कुछ इस टाइप से इसे यहाँ पर जो है रख दीजिएगा आप, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड फिर यहाँ से कर देना डन। एंड अगेन आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड एक और स्मोक पीएनजी का जो कि हम नीचे की साइड से लगाएंगे, सो उसे ऐड करना है। ओके गाइस, हो चुका है स्मोक पीएनजी येलो वाला। एंड इसको ला कर रखना है यहाँ पर नीचे की साइड रख देना, काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। एंड फिर यहाँ से कर देना डन। ओके, एंड एक और पीएनजी हमें यहाँ ऐड करना है, सो हम जाते हैं यहाँ ऐड फोटो में। ओके गाइस, सो इस पीएनजी को आपको ऐड करना है। एंड ये पता नहीं किस चीज़ का पीएनजी है, बट आप इसे ऐड कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ब्लर मैंने मार दिया है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है किस चीज़ का है, बट आप लगा लीजिएगा फ़ोटो में, ठीक है। एंड फिर यहाँ से कर देना डन। एंड अगेन जाना ऐड फोटो में, सारा वर्क ऐड फोटो में ही होने वाला है। एंड अभी जो है आपको पीएनजी ऐड करना है। ओके, सो उसके बाद आपको जो है इस ब्लैक शेडो पीएनजी को ऐड करना है। एंड इसको इस टाइप से यहाँ पर नीचे रखना है। एंड फिर यहाँ से कर देना डन। एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ ऐड फोटो में, एंड माता जी की झंडी ऐड कर लेते हैं ना। ओके गाइस, हो चुका झंडी का पीएनजी। एंड फिर कुछ इस टाइप से आपको वहाँ पर अपने साइड में क्या बोलते हैं उसे, झंडी को तो ज़रूर बताना, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पर इसे झंडी बोलते हैं, तो ठीक है आप बता देना कमेंट बॉक्स में। एंड फिर जो है यहाँ पर आपको जाना है फ्लिप एंड रोटेट में। एंड फिर कुछ इस टाइप से आपको इसे रोटेट फ्लिप कर देना, ठीक है। एंड फिर इसे जो है यहाँ पर रख देना, काफ़ी सही लग रहा है। एंड यहाँ से कर देना डन। ओके, सो सारी पीएनजी ऐड हो चुके हैं। अभी जस्ट हमको ऐड करना है टेक्स्ट पीएनजी, शुभ नवरात्रि वाला जो है टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करना है। सो उसके लिए जाना है यहाँ ऐड फोटो में। ओके गाइस, हो चुका टेक्स्ट पीएनजी शुभ नवरात्रि वाला। एंड फिर कुछ इस टाइप से यहाँ पर रख देना है। एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड फिर इसे यहाँ पर रख देना, ठीक है। एंड एडजस्ट का टूल मिल जाएगा, यहाँ पर जाना है। एंड इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा जो है बढ़ा के, एंड यहाँ से इसका हाईलाइट फुल बढ़ा लेना, ठीक है। सो सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से कर देना डन। एंड इसे थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा रखना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ से कर देना डन।
ओके सो सारे पीएनजी वगैरह हमारे ऐड हो चुके हैं एंड आगे की एडिटिंग करेंगे हम लाइटरूम में। एंड उससे पहले आप यहाँ डाउनलोड वाला आइकन पर क्लिक करके एंड इस फोटो को कर लीजिए सेव। एंड डाउनलोड वाला आइकन जो है न्यू वर्जन में आया है, सो आप प्ले स्टोर पर जाकर अपने पिक्सआर्ट को जो है अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ओपन करना है लाइटरूम। ओके गाइस, मैंने उसी फोटो को ओपन कर लिया लाइटरूम में। एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ सबसे पहले लाइट में एंड फोटो का थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा लीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। एंड फिर यहाँ से थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट बढ़ा के एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लीजिए, ठीक है। एंड फिर इसका शेडो जो है, शेडो को थोड़ा सा जो है माइनस कर दीजिए एंड वाइट को बढ़ा के एंड ब्लैक को थोड़ा सा आप कर देना, ठीक है। एंड आगे आना है कलर्स में एंड फोटो का थोड़ा सा जो टेम्प है, टेम्प को थोड़ा सा बढ़ा के एंड टिंट को माइनस, ठीक है, टेंट को थोड़ा सा प्लस रखना है एंड वाइब्रेंस बढ़ा देनी है एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा जो है बढ़ा देना है, ठीक है। ऊपर जाना है मिक्स में एंड जो रेड कलर मिलता है इसका सेचुरेशन बढ़ा के एंड ह्यू को कर देना है प्लस, ठीक है। एंड आगे आना है ऑरेंज कलर में एंड थोड़ा सा जो है सेचुरेशन बढ़ा के एंड आगे आना है येलो कलर में, थोड़ी सी इसकी सेचुरेशन बढ़ा लेनी है एंड ल्यूमिनेंस भी थोड़ा सा अप कर देना, थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। एंड आगे जो ग्रीन कलर मिलता है इसका सेचुरेशन बढ़ा के एंड येलो कर देना, ठीक है, ह्यू जो है येलो कर देना। एंड आगे आना टील में एंड सेचुरेशन बढ़ा लेनी थोड़ी सी टील की एंड ब्लू में आना सेचुरेशन बढ़ा के ब्लू की एंड ह्यू को थोड़ा सा माइनस, ठीक है। एंड फिर जो पिंक कलर मिलता है इसका सेचुरेशन बढ़ा के एंड ह्यू को एकदम कर देना प्लस एंड ऊपर से कर देना डन। एंड आगे आना क्लियरिटी वाले ऑप्शन में एंड फोटो की थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा के एंड विगनेट को थोड़ा सा जो है बढ़ा लीजिएगा 10%। ऊपर जाना है स्लिप टोन में, स्लिप टोन में एंड उसके बाद जो है स्लिप टोन में आने के बाद आपको येलो टोन रखना है एंड इसका बैलेंस जो है एकदम माइनस, ठीक है, कुछ इतना। एंड इसका शेडो भी आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, ये वाला काफ़ी सही लग रहा है एंड यहाँ से कर देना है डन। आगे आना है सॉफ्टनेस वाले ऑप्शन में एंड फोटो का थोड़ा सा जो है सॉफ्टनेस बढ़ा के एंड नोसिडेशन को थोड़ा सा जो है प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद जाना आपको यहाँ सिलेक्टिव टूल में एंड यहाँ से प्लस वाला आइकन लेना है एंड इसे थोड़ा सा जो है फेस पर ला कर रखना है एंड इसका थोड़ा सा जो है एक्सपोजर बढ़ा लेना है, ठीक है, काफ़ी लाइट आ जाएगा फेस पर। ओके सो फोटो हमारी पूरी एडिट हो चुकी है एंड इस फोटो को सबसे पहले तो यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके एंड सेव टू डिवाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड गाइज, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंड लोग के साथ ताकि वो भी ऐसे एडिटिंग कर पाए। एंड ब्रोदर, मैं मिलता हूँ किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।